नमस्ते नानुराम भाई। नमस्ते। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को पहले बीमारी थी। कौन सी? कैंसर की। अच्छा, आपका क्या नाम है? नानुराम पवार। कहाँ रहते हैं? फलपुर। कौन से जिले में आता है? बड़वानी जिला। अच्छा, आपको कब से प्रॉब्लम है? साल भर वगैरह। अच्छा, कहाँ कहाँ बता दिया आपने? पहले इंदौर ऑपरेशन करवाया था। हाँ, ऑपरेशन इंदौर थोड़ा फेल होगा ऑपरेशन। हाँ, कहाँ पर? इंदौर में। आपको प्रॉब्लम कहाँ पर थी? ये यहाँ थी बिल्कुल। अच्छा, मुंह का कैंसर था। अच्छा, तो इंदौर में क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ इसका। फिर आगे करीब 1 लाख रुपए खर्चा आया। ऑपरेशन हुआ, फायदा हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसका। अच्छा, फिर उसके बाद में कहाँ गए आप? बड़ौदा गए इसके बाद में। वहाँ से क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट वगैरह झाड़ ये करवाया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर बॉम्बे गए। अच्छा, बॉम्बे गए। हाँ, तो बॉम्बे में क्या हुआ? फिर ऑपरेशन हुआ इसका। अच्छा, वहाँ पर आप रुके थे या डायरेक्ट ऑपरेशन हो गया? रुके थे 15-20 प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आ गई थी? ऑपरेशन हो गया, लेट हो जाएंगे। अच्छा, हड़ताल की वजह से। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ? इसके बीच में फिर देख दवाई, हमारे भाई थे गुरुद्वारे में, फलसूद रहते थे। कौन? ज्ञानी जी, धूम सिंह ज्ञानी जी है। अच्छा, आप ज्ञानी जी हैं? हाँ, इधर खड़े साइड में। अच्छा, तो इनके माध्यम से फिर उन्होंने दवाई वगैरह बताई। हाँ, फिर वो दवाई यहाँ से बुलवाई और फिर वो चालू करी थोड़ी। कहाँ पर बुलाई? बॉम्बे में। अच्छा, चालू कर दी फिर से आपने? हाँ, चालू कर क्या दी। फर्क पड़ा उससे आपको? उससे आराम लगा थोड़ा मेरे को। अच्छा, आपको नली वगैरह लगी हुई थी मुंह में? हाँ, लगी हुई थी। ये सब फटा हुआ था इधर मामला? हाँ, सब फटा हुआ, अंदर भी गीलापन था, अभी तो कुछ भी नहीं अंदर भी बिल्कुल। अच्छा, आप सब कंप्लीट खा पी लेते हो? हाँ, कंप्लीट। अच्छा, दवाई क्या क्या ली थी आपने? क्या नाम है? हेमोरेज। हेमोरेज और ग्रीन रिच। ग्रीन लीच और ओमेगा। ओमेगा और जनरल पाउडर। जनरल पाउडर। अच्छा, अभी आप बोल लेते हो? अच्छा, पहले बोल सकते थे क्या? नहीं, पहले नहीं बोलते थे। अच्छा, आपको अभी कैंसर में क्या फ़र्क है? अभी तो कुछ भी नहीं बताया, लग रहा है चेकअप करवाया था अभी तो। क्या नील बताया? हाँ, नील बताया। क्या बताओ, क्या रिपोर्टें हैं क्या कुछ? हाँ, है रिपोर्ट। बताएं डॉक्टर साहब की। अभी रिपोर्ट है 25 तारीख के करीब। कौन से तारीख पे गए थे? 25-20 तारीख को गए थे। 25 की रिपोर्ट है। अच्छा, ये रिपोर्टें कहाँ की है? ये बॉम्बे की है। गोदरेज हॉस्पिटल। गोदरेज हॉस्पिटल बॉम्बे। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया गुलाब जिस इलाज से कैंसर के लिए आया वो तो नील है, कुछ भी नहीं अभी इसमें। हाँ, और कुछ नसों में थोड़ी चर्बी आ गई है, तो हार्ट के डॉक्टर को दिखाया। हाँ, बाकी तो कैंसर वगैरह कुछ नहीं। कैंसर क्या है अभी? कैंसर है नहीं, कुछ भी नहीं अभी तो। अच्छा, दवाई कैसी है ये? दवाई अच्छी बिल्कुल। लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। अन्य लोगों को आप क्या सलाह दोगे? इसी लेना चाहिए दवाई। अच्छा, इससे फायदा होता है? इससे फायदा होता है। आपका मन था दवाई लेने का? नहीं था। नहीं था मेरा मन। जब क्यों नहीं था? जब मैं यहाँ था ही नहीं, मैं बॉम्बे में था। भाइयों फोन पे बात हुई थी हमारी। हाँ, भरोसा नहीं था उस चीज पे। अच्छा, आपका मन था लेने का? नहीं था। हाँ, नहीं था, भरोसा नहीं था उससे। अच्छा, अभी क्या है? अभी लेने का ही अभी तो। अच्छा, तो लोगों ने लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। मेरे को साल से ले रहा हूँ मैं। मेरे को 8 महीने हो गए करीब। अच्छा, ठीक है। आप कौन है? मैं भाई हूँ इनका। अच्छा, तो आपको कहाँ से पता चला था? हमको जितेंद्र सेन जी आए, उन्होंने बताया ये दवाई देनी है। और हमने भाई से बात करी, भाई बोले ठीक है, हम दवाई ले लेंगे करके। ये भाई यहाँ पे नहीं थे। हाँ, लेकिन इनको दवाई जितेंद्र सेन जी के माध्यम से हमने बॉम्बे दवाई पहुँचाई। हाँ, और भगवान की दया से दवाई बहुत कारगर सिद्ध हुई है और बहुत आराम मिला है। और आज जो भी रिपोर्टें नील आई है वो धन्वंतरी दवाई की वजह से आई है। अच्छा, लोगों ने इसको लेना चाहिए ज्ञानी जी? बिल्कुल लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। इस पर भरोसा नहीं करते वो लोग गलत है, क्योंकि इसका रिजल्ट धीरे से आता है, लेकिन बहुत परफेक्ट रिजल्ट आता है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी।